हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर पर हेड वॉश कैसे किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद, जिससे कि आप लोगों के ग्राफ्ट भी खराब ना हो। वैसे तो मैंने 2-3 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी हफ्ते में 4-5 लोगों के केस फोटोग्राफ कुछ इस तरीके के आते हैं मेरे पास कि मुझे रिपीट वीडियो ये वाली बनानी पड़ रही है। होता क्या है, लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराकर घर चले जाते हैं। लोग अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद वो लोग दोबारा क्लिनिक में आकर हेड वॉश नहीं करवा रहे हैं, और ये पॉसिबल भी नहीं होता है। जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी पहले, वो बनाई थी कि मैं क्लिनिक जाकर लोगों के हेड वॉश कर रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि क्लिनिक गया है, क्लिनिक में जाकर ही हेड वॉश होता है। आज मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा, उसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, और घर पर ही हेड वॉश कैसे होता है, बहुत सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सकता है उतना ही सिंपल तरीके से उसका हेड वॉश करेंगे। जो भी चीज़ अवेलेबल होगी उस हिसाब से करेंगे। हाँ, ये वीडियो को वायरल जरूर कर देना दोस्तों। अगर जो ये वीडियो वायरल नहीं होगी तो लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट के जो केस अच्छी सर्जरीज होने के बाद भी जो खराब हो रहा है, फेल हो रहा है, ग्राफ्ट निकल रहे हैं, हेड वॉश नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से, ये चीज़ें होना बंद हो जाए। वीडियो को वायरल करने के लिए आपको क्या करना है, लाइक का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दें, और जो भी देख रहा है लाइक का बटन क्लिक जरूर करें, कंजूसी ना करें। इससे किसी बंदे का हेयर ट्रांसप्लांट खराब होने से बच सकता है। कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के अंदर, और शेयर भी कर दे हो सके तो, आप जो भी बंदा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा हो, ठीक है, हो सकता है आपकी वजह से किसी बंदे का हेयर ट्रांसप्लांट खराब होने होते होते ठीक हो जाए, बच जाए उसका हेयर ट्रांसप्लांट होने से, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, नहीं करोगे तो आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट खराब हो रहा है अच्छा होने के बाद भी, क्योंकि हेड वॉश ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो होता ही रहेगा, ठीक है। अब ये बात आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को वायरल करते हैं नहीं। बाकी YouTube ने तो कसम खा ही रखी है कि वो मेरा वीडियो तो वायरल बिल्कुल करेगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको दोस्त के घर पर, और वहाँ पर करेंगे उसका हेड वॉश सिंपल तरीके से। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे जॉनसन बेबी, और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया, आपको दिख रहा होगा कितना पानी लिया, और थोड़ा सा ही यहाँ पर हम देखेंगे जितना आपको दिखा उतना जॉनसन बेबी शैम्पू का यूज़ करें। और उसके बाद ये बीटाडीन सॉल्यूशन है, इसको भी थोड़ा सा ढक्कन में लेकर के आधा ढक्कन के अराउंड लगभग आप पानी में मिला लें, ठीक है। पानी में डालने के बाद इसको हिला लें किसी कपड़े की सहायता से, जैसे कि आपको दिख रहा है इसके अंदर मैंने पट्टी का यूज़ किया हिलाने के लिए। अच्छे से हिला लें, अच्छे से मिक्स कर दें, सॉल्यूशन और शैम्पू अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये वही सॉल्यूशन है जो मैंने अभी बनाया है, इस सॉल्यूशन से ले जा करके मैं सर के ऊपर अप्लाई करूँगा। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं कितनी आराम से, कितनी धीरे धीरे इस सॉल्यूशन को लगा रहा हूँ सर के ऊपर, ठीक है। आराम आराम से, बहुत हल्के हाथों से लगाना है दोस्तों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत हल्के हाथों से मतलब बहुत हल्के हाथों से लगा रहा हूँ, इसके ऊपर कोई भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं आगे भी लगा रहा हूँ, पीछे भी लगा रहा हूँ, पूरे सर में जहाँ जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है या डोनर एरिया है, वहाँ पर इसको हल्की हल्की फिंगर से टिप 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 करके लगा दें बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं डोनर एरिया में भी सेम उसी तरीके से लगा रहा हूँ। अगर जो ज़्यादा तेज़ी से पीछे लगाएंगे डोनर एरिया में तो दर्द होगा, समझ रहे हो, ज़्यादा तेज करेंगे तो दर्द होगा, और आगे की तरफ ज़्यादा ज़ोर से लगाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ्ट को निकलने का खतरा बरकरार रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, धीरे धीरे प्यार प्यार से इसको लगाते रहना। अब देखो दोस्तों, स्प्रे से NS स्प्रे जो आता है उससे मैंने पट्टी को गीला कर लिया है, या फिर पानी से भी आप गीला कर सकते हैं, किसी भी नॉर्मल पानी से, फिल्टर का पानी जो होता है उससे गीला करके, अब सॉल्यूशन के अंदर डुबा करके मैं इसको धीरे धीरे से क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि आप लोगों ने देखा था मैंने लगाया था जो सॉल्यूशन, उसी को मैं क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने की डायरेक्शन देखो, आगे की तरफ मैं ले जा रहा हूँ, समझ रहे हो, आगे की तरफ ले जाने से क्या हो रहा है, ग्राफ्ट जो है वो आपके निकलेंगे नहीं। अगर जब अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे, जिस डायरेक्शन में मैं चलाऊँ उसमें नहीं चलाएंगे, दूसरी डायरेक्शन में चलाएंगे, तो ग्राफ्ट निकल के पट्टी के ऊपर चिपक जाएंगे बहुत सारे ग्राफ्ट, ठीक है। तो यही शायद सब लोग गलतियाँ करते हैं, उसके अंदर से एक जो मैंने गलती बताई है, उसके अंदर से एक ये गलती होती है कि उल्टे सीधे जैसे भी अपने हाथों को चलाते हैं ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं चलाना है, जैसे मैंने दिखाया उसी तरीके से चलाना है। जब वो आपको लगे क्लीन हो गया है तो एक मग्गे में नॉर्मल फिल्टर पानी जो होता है घर के अंदर, वो वाला पानी लें और सर के अंदर इस तरह से डाल दें, हल्के हाथ हल्के चल रहे हैं मेरे, हो सकता है आपको लग रहा हो टाइट है, लेकिन
हाथ बहुत हल्के चल रहे हैं और सर के अंदर मग्गे से मैं साफ पानी, नमक वाला पानी नहीं होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है कई लोग नमक वाले पानी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एक केस आया था बहुत टाइम पहले, लगभग मार्च अप्रैल में, तो उस बंदे ने क्या करा था, नमक वाले पानी से सर धोया था और सारे ग्राफ्ट खराब कर लिए थे, बदनामी हो गई किसकी, क्लिनिक की। तो फिल्टर पानी से, सादे पानी से आपको क्लीन करना है, हेड को वॉश करना है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा ग्राफ्ट जो है अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं, लेकिन इतने ही क्लीन होते हैं फर्स्ट हेड वॉश के अंदर। अगर जो आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो ही बंदे अपने डैमेज कर लेते हैं ग्राफ्ट को। इतना क्लीन है बहुत है, 3-4 दिन लगेंगे, अच्छे से धीरे धीरे करके क्लीन हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब पूरा हेड क्लीन हो चुका है, अब मैं बीटाडीन सॉल्यूशन लिया है, पट्टी पे ले रहा हूँ। अब इसको मैं कहाँ अप्लाई करूँगा, इसको अप्लाई करूँगा मैं डोनर एरिया में। जी हाँ, इसको सिर्फ मैं डोनर एरिया में यूज़ करूँगा, जहाँ पर ग्राफ्ट इम्प्लांट किए हैं वहाँ पर इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ डोनर एरिया के अंदर ही इसका यूज़ होगा। याद रखना, कन्फ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। मैं नहीं चाहता जिस तरीके से बहुत सारे लोग आज की तारीख में अच्छा हेड ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद भी अपना ट्रांसप्लांट फेल कर लेते हैं, सिर्फ हेड वॉश नहीं आता इस कारण से, कब हेड वॉश करना होता है इस कारण से, तो ख़राब मत कर लेना। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया है डॉक्टर लोगों ने, उसको भी मैं बालों के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। इनके आपके घर में कोई मम्मी पापा होंगे, उनों की हेल्प से, भाई बहन की हेल्प से आप ऐसे अप्लाई कर लेना, ख़राब मत करवाना। और इस वीडियो को वायरल कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो। अगर जो आप लाइक नहीं करोगे तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के जिम्मेवार हो जाओगे जहाँ पर कि लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट खराब करवा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। घर के अंदर ही हेड वॉश कर दिया, कहीं बाहर इधर उधर की चीज़ें नहीं ली, नॉर्मल जो चीज़ें अवेलेबल होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक पेशेंट के पास, उसी से हेड वॉश किया है। अब जिन भाई लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ आपको वायरल करनी है कर दें, लेकिन इस वीडियो को वायरल करें ताकि लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट खराब ना हो पाए, सबके हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर जो कोई बंदा आपकी नज़रों में है जो गंजा हो गया, उसको मेरे चैनल का लिंक शेयर करें और उसे बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने 300 प्लस वीडियोस अपलोड किए हैं वो आकर देखें और नॉलेज ले हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।